प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है सूफी संप्रदाय या सूफी मत। भारत में सूफी परंपरा का प्रारंभ जब तुर्क आक्रमणकारी भारत में आते हैं तो उनके साथ साथ भारत में सूफी धर्मगुरु भारत में प्रवेश करते, भारत में आते हैं। सूफी संप्रदाय के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तो किया, इस्लाम की अच्छी अच्छी शिक्षाएं जो हैं वो जनसाधारण तक पहुंचाने का कार्य किया, लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम समाज के अंदर एक धार्मिक भाईचारे का प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। सूफी साधक जो थे, जो सूफी गुरु जो थे, इनके द्वारा हिंदू मुसलमान जो धार्मिक कट्टरता का वातावरण बनता जा रहा था उसको समायोजित करने का कार्य किया। सूफी होते कौन है, क्या है, इनके बारे में कहते हैं कि सूफी कहते हैं जिसका मन साफ हो, मन शुद्ध हो, उसको सूफी कहते हैं। इसके साथ साथ कहते हैं कि जो परमात्मा की पहली पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, परमात्मा की पहली पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको सफ, उसको कहते हैं सफ, यानी प्रथम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति। इसके साथ साथ कहते हैं ये ऊनी कपड़े पहनते थे, ऊनी कपड़े पहनने के कारण भी इन्हें सूफी कहने लगे। उनका जो वर्ड होता है उनको सूफ कहा गया है, तो सूफ कहते हैं। चलो कुल मिला के हम ये बात कह सकते हैं कि इन्हें, इनके बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं, फिर भी हम कह सकते हैं कि सूफी संप्रदाय भारत में धार्मिक कट्टरता के स्थान पर धार्मिक भाईचारा, हिंदू और मुस्लिम जो वर्ग था उसके अंदर एक भाईचारा फैलाने का इनके द्वारा कार्य किया गया। इसके साथ साथ शासक वर्ग के ऊपर इनका विशेष प्रभाव था, जिसका प्रतिफल ये रहा कि भारत में सूफी जो मत था उस मत का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से हुआ। अब आता है कि सूफी मत के की शिक्षाएं क्या थी। बेटा एक मिनट रुकना, एक मिनट। तो बेटा अभी पता नहीं है, मैं आप लोगों को जो भी होगा मैं बता दूंगा, पेपर का क्या कुछ होगा जल्दी ही पता लगेगा, एक दो दिन में ही पता लग जाएगा। मे बी पॉसिबल ऑनलाइन हो सकता है, बाकी मैं कह नहीं सकता। सूफी मत की शिक्षाएं क्या थी? सूफी मत की शिक्षाएं जो थी, कहते सूफी मत की शिक्षाएं सरल थी, बिल्कुल बिल्कुल आम लोगों की नब्ज पकड़ के शिक्षा देने का इन्होंने प्रयत्न किया। सरल और प्रभावशाली, लोगों की जो भाषा लोग जो समझते थे, लोगों के मन में जो बुराइयां आ चुकी थी उन बुराइयों को बिल्कुल सरल भाषा में दूर करने का प्रयत्न सूफी विद्वानों के द्वारा, सूफी साधकों के द्वारा किया गया। सबसे पहला कहते हैं कि अल्लाह, अल्लाह जो एक है और वो सर्वशक्तिमान है। अल्लाह जो है एक है, वो सर्वशक्तिमान है। सूफियों के अनुसार परमात्मा एक है जिसे अल्लाह कहा जाता है, और वो सर्वशक्तिमान है और उसमें इतनी ताकत है, जिस प्रकार राजा में ताकत धरती के ऊपर, एक सुल्तान के अंदर ताकत हुआ करती कि वो किसी आदमी को जो है कोई भी पद दे दे, किसी को मरवा दे, किसी को कुछ करवा दे, वही ताकत जो है अल्लाह के अंदर, उससे भी बढ़ के। क्योंकि अल्लाह जो है, अल्लाह ऐसे अनेक सुल्तानों का, धरती के ऊपर जितने भी सुल्तान हैं, जितने भी जनता है, हर एक प्राणी का सर्वोच्च जो है अल्लाह है, भगवान है। वो किसी भी भिखारी को राजा बना दे और किसी भी राजा को भिखारी बना दे, भिखारी को राजा, राजा को भिखारी बना दे। इसके साथ साथ कहते पूरी की पूरी सृष्टि की रचना इसने कर रखी है, अल्लाह ने कर रखी है। किस व्यक्ति को सुरक्षित रखना और किसको नष्ट कर देना है, ये सारे के सारे कार्य जो है अल्लाह की मर्जी से ही चलते हैं, अल्लाह की मर्जी से चलते हैं।
इसके बाद कहते हैं अल्लाह को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। अल्लाह को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, आत्मसमर्पण कर दो अल्लाह का, नहीं भगवान के ऊपर जो है भगवान की लो लगा लो, भगवान की तरफ ध्यान दे दो, भगवान में पूर्ण विश्वास करो। कहते हैं कि जब तक हम सही समर्पण नहीं करेंगे, सच्चे हृदय से समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हम अल्लाह को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। नुकाय अपना सब कुछ निछावर करना पड़ता, अपना जो है अस्तित्व मिटाना पड़ता है। और ये कहते हैं कि जिस प्रकार एक नदी है, जिस प्रकार एक नदी जाके समुद्र में मिल जाती है और नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, जिस प्रकार एक नदी के अंदर बुलबुला उठता है और बुलबुले का अस्तित्व खत्म हो जाता है, नदी में मिल जाता है, बुलबुला नदी उठा नदी में, एक भंवर बना नदी में और खो गया, नदी के अंदर ही गुम हो गया। एक जो है नदी जो है वो समुद्र में जा गिर गई, महासमुद्रों में महासागरों में चली गई, पता नहीं कहां गई। इसी प्रकार कहते हैं कि एक व्यक्ति आत्मसमर्पण जब तक अल्लाह के प्रति नहीं करेगा, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता, अपना अहम त्याग देना पड़ेगा। कहते अल्लाह से संपर्क करने के लिए सूफी लोग लालायित रहते थे और परमात्मा की भक्ति के अंदर, परमात्मा के विश्वास के अंदर वो बिल्कुल लीन रहते थे। अरे एक धुन में खो गए थे, धुन में खो गए कि भगवान है, अल्लाह है बस, और जो कुछ भी करेगा अल्लाह ही करेगा। पीर का मैं तो पीर होता बेटा गुरु, जिस प्रकार से भक्ति आंदोलन के अंदर पीर का महत्व तो बताया, भक्ति आंदोलन वाले भी एक परमात्मा की बात करते हैं, एक ईश्वर की बात करते हैं और उसको सर्व सर्वे सर्व सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। इसी प्रकार से सूफी भी एक के बात कहें, ये भी आत्मसमर्पण की बात करते हैं, ये भी जो एक अल्लाह में विश्वास करते हैं वो एक भगवान में विश्वास करते हैं, वो कहते हैं कि राम रहीम कृष्ण अल्लाह सारे एक हैं। पीर का महत्व तो पीर होता है भाई गुरु, भक्ति आंदोलन में कबीर ने कहा था गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाई। यहां भी कहते हैं कि जो पीर है गुरु है उसका सबसे सर्वोच्च स्थान है, उसका सबसे सर्वोच्च स्थान है, वह बहुत पवित्र व्यक्ति होता है। गुरु के बारे में कहा गया है कि वह बहुत ही पवित्र व्यक्ति होता है। और जो है मुरीद, मुरीद होता बेटा शिष्य चेला, मुरीद को रूहानी उन्नति के लिए कार्य करता है, ताकि यह जो भाव सागर है ना, ये संसार है, ये मिथक संसार है, इस संसार से किस प्रकार से वो निकल सके, इस भाव सागर से किस प्रकार से निकल सके, और उसको निकालने का कार्य केवल जो है पीर का है, गुरु का है। पीर ही अंधविश्वास जो फैला हुआ है, गुरु के चारों तरफ अंधकार है, उस अंधकार को जो है उजाले में परिवर्तित करता है, रास्ता दिखाता है। कहते हैं कि पीर अपने जीवन काल में अपना जो है उत्तराधिकारी तुलता है, कि मुरीद जो है मुरीद मत है, अपना शिष्य मत है, उसको वल्ली कहा गया, उत्तराधिकारी को। इबादत होती बेटा उपासना, हिंदू धर्म भक्ति आंदोलन इनके अंदर भक्ति की बात करते थे, उपासना कह लो या इबादत कह लो, एक के बात है। सूफी मत इबादत पे बहुत ज्यादा जोर देता है, ये उपासना पर जोर देता है। बेटा आवाज आ रही है ना, ठीक है, उपासना के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता है। ये कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करने से मनुष्य इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और जो अल्लाह के चरणों में पहुंच जाता है। जिस प्रकार हमारे यहाँ अपने हिंदू धर्म के अंदर ये बात कही गई है, चाहे बौद्ध धर्म लगा लो, जैन धर्म लगा लो, सभी जो कहते हैं कि भाई जो है भगवान की जो का ध्यान लगाओ, बौद्ध धर्म अष्टमार्ग कहता है, जो है भक्ति वाले भक्ति करने की बात करते हैं, ये भी इबादत यानी उपासना करने की बात करते हैं। ये कहते हैं नंबर वन अल्लाह की इबादत कर, इबादत नवाज द्वारा, नवाज पढ़ो भाई, पहली बात, रोजे रखना, दान करना, मक्का की यात्रा करना, और इस सब को क्या कहते हैं, अगर इबादत करनी है
तो क्या करोगे? शुद्ध हृदय से करोगे, शुद्ध हृदय। हृदय में तो कपट हो, ओ जैसे कबीर ने कहा था, दाढ़ी मूछ मुंडाए के बने हो घोटम घोट, मन को क्यों नहीं मुड़ते जामे भरिया खोट। तो ये भी कहते हैं भाई हृदय, यहाँ सूफीवादी भी कहते हैं कि हृदय जो है ना वो शुद्ध होना चाहिए, तभी इबादत कर सकते हो। इसके लिए एक बात और कह, जो करीब आपा आपा कई बार यहाँ भी सुनते हैं बुजुर्गों से, भाई भगवान की भक्ति तो वही बंदा करेगा, भगवान चाहोगा तो करवाओगा ना तो नहीं करवाओगे। यहाँ भी कहते हैं कि जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत होगी वही इबादत करता है, अल्लाह जिसको चुनता अपने लिए इबादत वही करता, ना तो कोई नहीं करता। नमाज, नमाज को जो है पढ़ना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य बता दिया, सबसे प्रमुख कर्तव्य बता दिया कि व्यक्ति को नमाज पढ़नी चाहिए, परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। नमाज पढ़ने के लिए एक समय कहता है, समय डिसाइड, जैसे पांच प्रकार की नमाज इस्लाम के अंदर बताई गई है, तो पांच प्रकार की नमाज जो है, पांच समय की नमाज की बारे में सभी सूफी कहते हैं। उसकी रहमत से मनुष्य सभी कष्टों से दूर हो सकता है। अशुद्ध मन से पढ़ी गई, हृदय से पढ़ी गई नमाज पूरी तरह से व्यर्थ रहेगी। कुरान भी ऐसे लोगों की क्या करता है, निंदा करता है, आलोचना करता है। और इस सीधा सिंपल वर्ड ये है कि जो नमाज पढ़े ना वो शुद्ध मन से पढ़नी चाहिए, साफ मन से पढ़नी चाहिए। अब कहता दान, दान संसार में कहते हैं कि दान धर्म, समस्त धर्म की बात कहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सभी धर्म दान की महिमा की बात करते हैं। ये कहते हैं कि दान करना चाहिए, दान जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं कि भाई दान करना चाहिए और सुयोग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए। कहते व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार दान करना चाहिए, उसे धन एकत्रित करना चाहिए, धन एकत्रित करो, और धन एकत्रित करके क्या करो, जो फालतू का है ना, जो फालतू है उसे गरीब लोगों में बांटना चाहिए। ये नहीं कि कुंडली मार के बैठ जाओ, ये दान करने से अल्लाह खुश होता है, परमात्मा खुश होता है, और दान करने से परमात्मा खुश होता है और जन्नत मिलता है। जन्नत का मतलब होता है बेटा स्वर्ग, अपने हिंदू इसमें हिंदू धर्म में स्वर्ग कहते हैं, यहाँ जन्नत कहते हैं। दान का महत्व कुल मिला के सभी धर्मों में बताया गया, यहां भी बताया गया। अब आता है नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत सूफी जो है नैतिक नियमों पर बल देते हैं, जिस प्रकार हर एक धर्म देता है। बौद्ध धर्म 10 नैतिक नियमों की बात करता है, हिंदू धर्म भी देखो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, किसी को झूठ ना बोलो, किसी को जो है दुख ना दो, ये कहता है सत्य बोलो, सारे एक हैं। माता पिता की सेवा करो, सम्मान करो, सदैव अपने प्रतिनिधियों का आदर करो, अपने छोटों को प्यार करो, सदैव साधा में पवित्र जीवन जियो, पापों से सदैव दूर रहो, कभी लालच घृणा मत करो, दूसरों की निंदा मत करो और किसी को धोखा मत दो, सदैव गरीबों को, अनाथों को, बीमारों की सेवा करो, सदैव नशीली पदार्थों से दूर हो। सारी बात यह है, कहिए को अलग तो नहीं कहते, सभी बातें जो है सिंपल सिंपल बातें, आज भी अपने बुजुर्ग जो आपको कहते मिलेंगे, दादी ताई नानी पापा बूढ़े बड़े भाई भाई जो है ना, ये सारी बातें कहते मिलेंगे। अच्छे व्यक्ति अच्छी बातों का आपको प्रचार करते हमेशा मिलेंगे, ये आप भी देखते हो। मानवता की सेवा, सूफी मानवता की सेवा करना परम धर्म मानता है, और ये कहता है कि परमात्मा की सेवा तब होगी जब हम क्या करेंगे, जब हम जो है मानव की सेवा करेंगे। मानव परमात्मा के द्वारा बनाया गया है और उसकी सेवा करो, परमात्मा कहता है कि मानव की सेवा करो। अमीर गरीब, जाति पाति, रंग भेद, नस्ल, किसी के साथ किसी प्रकार का भेद ना करो। इसीलिए कहते हैं कि भाई जो है ना, अगर भेद करोगे क्या करोगे, तो अल्लाह जो दुखी होगा, और अल्लाह दुखी होगा तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगी, आपको अल्लाह जो अपने दरबार में नहीं रखेगा, अपने साथ लीन नहीं करेगा। कहते हैं कि सूफी पीरों ने अपनी खानकाओं के द्वार
अपनी खानकाओं के द्वार सब धर्मों के लिए, सब व्यक्तियों के लिए, सभी जाति के व्यक्तियों के लिए, सभी गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए खोल रखे थे। सूफी सेवा मानवता की सेवा को अल्लाह की सेवा के सम्मान समझती है। भक्ति संगीत पर बल। इस्लाम धर्म कहता है कि भाई संगीत पर प्रतिबंध लगाओ, प्रतिबंध इस्लाम में, जब इस्लाम धर्म संगीत को नहीं मानता, लेकिन भक्ति आंदोलन संगीत को विशेष महत्व देता है। भक्ति आंदोलन संगीत को विशेष महत्व देता है। ये कहते हैं बेटा कवाली गाड़ की बात आओ है, आजा मेरे मोला, ये जो वर्डिंग आती है अनेक फिल्मों के अंदर, आपको फिल्माई गई राग यो कवाली आपने देखी होगी। सूफी परंपरा की प्रमुख जो विशेषता बन चुकी थी, उनका पूर्ण विश्वास था कि संगीत जो है ना मानवीय हृदयों को अल्लाह के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है, मनुष्य के बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं इससे और अल्लाह के समीप ले जाता है। धार्मिक संगीत स्वभाव को समा कहा गया है। विशेष महत्व रहा संगीत का गायन सिस्टम का। आपको पता है कि औरंगजेब के द्वारा जो है संगीत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था, चाहे सल्तनत काल हो चाहे मुगल काल हो, सूफी इन संतों का, इन साधकों का विशेष प्रभाव शासक वर्ग के ऊपर रहता है। अब कहते हैं अगला, कहते हैं तर्क ए दुनिया। सूफी, प्रत्येक सूफी एक बात आवश्यक मानता है, वो कहता है इस संसार जो है लगाव का त्याग कर दे, संसारिक वस्तुओं से जो लगाव कर है ना उनका त्याग करने की बात कहता है। ये कहता है धन संपदा, सुंदर स्त्री, प्राय सुंदर स्त्री, सरकारी नौकरियां, इनके चक्कर में फंसकर व्यक्ति क्या करेगा, सांसारिक बंधनों में बंध जाएगा और जो है वो क्या करेगा, वो अल्लाह से दूर होता चलाया जाएगा। अल्लाह मिलन से आवश्यक है, अल्लाह मिलने, अगर भगवान से मिलना है तो आवश्यक है कि सांसारिक वस्तुओं का मोह त्यागे। ऐसा भी नहीं कहते कि ब्याह ना कर, सारे जो सूफी मोस्टली है इनकी मैरिज हो रखी थी और अपना पूरा परिवार यही रहता था खानकाओं के अंदर इनका। जिस प्रकार से भक्ति आंदोलन के सभी गुरु मैरिज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जो है विवाह सिस्टम, परिवार की मान्यताएं और परिवार को जो कार्य करते हैं वो बहुत बड़ा है। ये भी कहते हैं कि परिवार, पारिवारिक जीवन जीना चाहिए, लेकिन दूसरों के परिवार के इंटरफेयर नहीं कहते। अपनी पत्नी तो ठीक है, दूसरे पत्नी को तकना गलत बताते हैं, ये भक्तिवादी भी कहते हैं, ये सूफीवादी भी कहते हैं, ये हर धर्म कहता है। और जो है आज हमारे बुजुर्ग और क्या हर व्यक्ति यही कहता है कि भाई जो है पर नारी को जो है तकना नहीं चाहिए, उसके साथ जो है गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब कहता है कि अब व्यक्ति के जीवन का आखिरी उद्देश्य क्या है, वसल, जीवन का उद्देश्य। कहते मनुष्य के जीवन का उद्देश्य अल्लाह के साथ मिल जाना है। कुल मिलाकर हमको मोक्ष कह दें, इसने मोक्ष भी कह सकते हैं, वसल का मतलब मोक्ष मानना। ये कहता है कि 10 चरणों में कोई व्यक्ति गुजरेगा तो उसको मोक्ष मिल जाएगी, यानी अल्लाह से के साथ वो लीन हो जाएगा, मिलन हो जाएगा और जन्म जन्मांतर के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। यह बात है ले दे के सारे में। सबसे पहले तौबा कहता है, तौबा इसे अभिप्राय है पाप बुरे कार्य न करने का दृढ़ निश्चय, ऐसे कार्यों का पछतावा करना। दूसरा करता बड़ा वरा, इसे अभिप्राय है अनुचित धंधे, उनसे दूर रहना। जुहद, इसे अभिप्राय सांसारिक वस्तुओं से लगाव से दूर रहना और मन को पवित्र करना। फकर से अभिप्राय है गरीबी का जीवन व्यतीत करना। सबर से अभिप्राय है अच्छे बुरे दिनों को उस अल्लाह की इच्छा पर छोड़ देना, उसका ये सोचना कि अल्लाह के दिए हुए, सहन करना। सब्र का मतलब सहन करना, भाई अल्लाह ने दिए हुए तो सारे। शुक्र,
शुक्र से विप्राय है अल्लाह की रहमत के लिए उसका धन्यवाद करना। खौफ, बुरे कार्य करने से डरना तथा सोचना कि इसके परिणाम गंभीर होंगे। रजा, रजा से आशा, सूफी भविष्य में अच्छे फल की प्राप्ति को आशा कहते हैं। ये आशा नहीं हो रहा भाई, बढ़िया ये कहते हैं पा कि बढ़िया दिन आओगे भाई, सब्र रख अच्छे दिन आओगे, तो रजा बोलते हैं उसको। तवक्कुल, इससे बड़ा अल्लाह में विश्वास रखना कि वह उसका ख्याल रखेगा। तीर्थकरों में विश्वास रखना, बौद्ध धर्म वाले कहते हैं अपने जो बौद्ध भिक्षु जो है उनमें विश्वास रखो, हिंदू वाले कहते हैं कि मैं देवी देवताओं में विश्वास करूँ, ये भी कहते हैं कि अल्लाह में विश्वास रखो। रिजा, इसे अल्लाह के आदेश को प्रसन्नता से प्राप्त करना। ये सारी बातें जो हैं इनकी बेटा इनकी शिक्षाएँ आ गई। अब कहते हैं सूफी मत के प्रभाव क्या पड़े भाई। सूफी मत जो है, क्योंकि इस समय जो है इस्लाम भारत में फैलता जा रहा था, शासक वर्ग जो था वो इस्लाम को मानने वाला है, तो इनके प्रभाव क्या पड़े। सबसे पहला इस्लाम का प्रसार किया। सूफी मत, सभी सूफी इन्होंने बगैर किसी जाति भेद से, बगैर किसी लिंग भेद से सिंपल सिंपल भाषा में अपने उपदेश दिए और जनसाधारण के बीच में रहे। हिंदू धर्म के अंदर जाति प्रथा थी, अनेक प्रकार के प्रतिबंध थे, तो क्या हुआ, इन लोगों ने आम लोगों के बीच में रह के लोगों को समझाया, अपने उपदेश दिए। तो हिंदू धर्म की बहुत बड़ी संख्या में जातियां जो थी ऊंच नीच के भेदभाव से शासकों को देखते हुए और जो सूफियों को देखते हुए और इनका भाईचारा, समानता, शांति, सहनशीलता जो बात जो बार बार कर रहे थे, बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम ग्रहण कर गए, इस्लाम ग्रहण कर गए। राजाओं का इतना खौफ भी रहा, लेकिन जो है सूफी मत को इन लोगों के द्वारा बताया गया इस्लाम भाई किस प्रकार का है, तो बड़ी संख्या में लोग जो है इस्लाम धर्म स्वीकार कर गए, तो इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। कहते शिक्षा का प्रसार, जो इनकी खानकाहें होती थी इनमें ये शिक्षा देते थे। कहते अनेक मूल्यवान ग्रंथों की इनके द्वारा रचना की गई। इनकी खानकाहों में मदरसे खोले गए। सूफी शेख जो है, कोई भी इच्छुक आदमी हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, निर्धन हो, गरीब हो, कोई भी हो, अमीर हो, सभी को शिक्षा देते थे, बगैर किसी भेदभाव की शिक्षा देते, मुफ्त शिक्षा देते थे। तो कहते बेटा शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हुआ इनके प्रभाव से, लोग जो पढ़ने लग गए, समाज को एक नया रूप दिया इन लोगों ने। एक तो शासक वर्ग से संबंधित थे, दूसरा जनसाधारण से संबंधित हो गए, इन्होंने समाज को नया वर्ग दिया। अनेक कुप्रथाओं का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि झूठ मत बोलो, धोखा ना दो, नशीले पदार्थों का सेवन ना करो, ये सारी बातों का प्रचार इनके द्वारा किया गया और पवित्र जीवन के ऊपर बल देने की बात की गई। इन्होंने कहा कि सहनशीलता और नम्रता, सहनशीलता और नम्रता जो है वह ये सब कुछ है। अंधविश्वास, पाखंड, इनकी बजाय इन्होंने एक नया मार्ग दिया और नया मार्ग था भाईचारे का मार्ग, सहनशीलता का मार्ग। प्रादेशिक भाषाओं का प्रचार हुआ भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूफी शेख जब भारत में आए, इन्होंने प्रारंभ में जो अपनी भाषा में, फिर धीरे धीरे यहाँ की नई भाषाएं सीखी, यहाँ की भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं में इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने कहते हैं कि नई संपर्क भाषा उर्दू को जन्म दिया। उर्दू आज भी बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं। उर्दू सूफियों की देन थी। इन्होंने हिंदी में और लोकल भाषाओं में लोगों को पढ़ाया। प्रादेशिक भाषाओं में मलफूजात, मकतूबात, तजकिरा नामक मूल्यवान सूफी ग्रंथों की रचना हुई। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। बाबा फरीद सूफी संत थे, बिना पंजाबी मन एक श्लोक की रचना की। तो कुल मिलाकर बेटा कविताएं लिखी, सब कुछ लिखा, कुल मिलाकर मैं कह सका हाँ ख्वाजा मीर ने जो है
उर्दू भाषा में ने कविताएं लिखी। इन्होंने जो है आम बोलचाल की भाषा में प्रचार किया और उर्दू का एक नया सिस्टम आ गया, जिससे लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इसके साथ साथ शासकों एवं दरबार को प्रभावित करना, भाई देखो सूफी जो संत थे उनका प्रभाव शासकों के ऊपर बड़ी संख्या में रहा, शासकों के ऊपर बड़ी संख्या में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुतुब मीनार की नींव रखी थी, ये भी एक सूफी संत था। शेख मोहिंदुद्दीन चिश्ती अजमेर में था, अजमेर का मोहिंदुद्दीन चिश्ती जो कहते हैं कि जिसका प्रभाव सल्तनत काल से लेकर और जो मुगल काल तक बड़ा विख्यात है, आज भी जो इसकी बड़ी मान्यताएं हैं, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए, मानों की सेवा करने के लिए वो विख्यात रहा, हिंदू मुसलमानों उसके दोनों ही शिष्य रहे हैं। बीजापुर में सिलसिला चिश्ती सिलसिले की भी प्रवृत्ति हुई, सुरावर्दी सिलसिला, ये सभी जो प्रवीण सकुलाल, ये सभी जो सिस्टम थे, ये सभी सूफीवादी जो लोग थे इन्होंने दरबार में जो मुस्लिम राजाओं का दरबार था वहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दरबार में कहते हैं इनको प्रभावशाली पद मिले हुए थे, इन्होंने सूफी शेखों के प्रभाव के चलते सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों अनाथों विधवाओं की सहायता के लिए दीवाने खरात नामक के विभाग की स्थापना की। शेरशाह सूरी ने गरीबों के लिए अनाथालय, फकीरों के लिए मुफ्त लंगर की व्यवस्था करवाई। मुगल बादशाह अकबर सूफी शेख सलीम चिश्ती से बहुत प्रभावित था और उसने अपने बेटे का नाम भी जो सलीम रखा था, जहांगीर का नाम। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती की स्मृति में एक सुंदर दरगाह का निर्माण किया। बेटा इनका प्रभाव था डायरेक्ट, दारा सिको शाहजहा का पुत्र, इन सभी जो है का सूफी संतों के साथ मिलन था। जब राजा इनसे प्रभावित है तो जनसाधारण के लिए भी राजा अच्छे अच्छे कार्य करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट था। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट थी। सूफी शेखों ने हिंदू मुस्लिम संस्कृति के विकास में बड़ा रोल दिया। हिंदुओं के अनेक परंपराएं अपनाई, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के निकट आए, दोनों समुदाय के त्यौहार चाहे होली हो चाहे दिवाली हो बड़ी धूमधाम से मनाए जाते थे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और एक और सूफी संतों की दरगाहें जो थी ना, भारतीय दरगाहों भारतीय जो स्थापत्य कला उसका जो है कुछ मिलना लगा, भारतीय उनसे सीख लेने लगे, उनसे सीख लेने लगी। अजमेर में शेख मोहिंदुद्दीन चिश्ती की दरगाह, फतेहपुर सिकरी की दरगाह, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भारतीय भवन निर्माण कला के उत्तम उदाहरण है। उर्दू का एक जन्म हुआ। अब कहते हैं बेटा इससे क्या हुआ, इससे हिंदू मुस्लिम दोनों लोग जो नजदीक आए, सूफी संतों के प्रभाव के कारण धार्मिक कट्टरता के बजाय धार्मिक सहनशीलता की नीति का पालन किया गया। सूफी जो थे इन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया, शासक वर्ग को समझाया और जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दिया। इसी का प्रतिफल था कि अनेक राजाओं के द्वारा हिंदू मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देते, उसमें अकबर लगा लो, अलाउद्दीन खिलजी का भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव मान सकते हैं हम, फतेहपुर सॉरी बोल क्या बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक का, शेरशाह सूरी का, ये जो शासक हुए इन शासकों पर सूफी मत के लोगों का अत्यधिक प्रभाव रहा, जिसके कारण सूफी परंपरा भारत में विकसित होती गई और जो है बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित होते चले गए। सूफी सिलसिले आते हैं, उसके बाद सूफी सिलसिलों की बात आती है। अच्छा ये बताओ भाई, एक मिनट, कुछ सूफी संत एक जो है 12वीं शताब्दी में इस्लामी दुनिया में सिलसिलों का प्रचलन सा प्रारंभ है। अनेक संतों का जिक्र आता है, चिश्ती सिलसिला, भारत में सूफी सिलसिले
स्थापित हुई, जिसमें चिश्ती सिलसिला सबसे महत्वपूर्ण था। ये 10वीं शताब्दी में मध्य अफगान के शहर चिश्ती में इस सिलसिले का सिस्टम प्रारंभ होता और जो है ख्वाजा अबू इसाक इस सिलसिले का संस्थापक बताया जाता है। 12वीं शताब्दी में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, वह चिश्ती सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शेख था। कहते उसका जीवन दीन दुखियों की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए, अल्लाह की सेवा के सम्मान उसने मान के इन लोगों की सेवा की। स्वयं गरीबी का जीवन व्यतीत किया और जो अनेक राजा महाराजा मुस्लिम शासक इसके मुरीद रहे। हिंदू और मुसलमान दोनों बड़ी संख्या में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आज भी पहुंचते। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये दिल्ली में था। शेख हमीदुद्दीन नागौर में, शेख निजामुद्दीन ओलिया दिल्ली में, फरीदगंज शक्कर बीजापुर में, चिश्ती सिलसिला जो है हाजी रूमी, अनेक जो है सिस्टम हुए, इनकी परंपराएं क्या थी। चिश्ती भारतीय परंपराओं में अच्छी प्रकार से जानते थे। उन्हें हिंदुओं को भी, जो भी भारत में अधिकांश जन समुदाय था, के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया, इनके रीति रिवाजों को अपनाया, मानवता की सेवा को अपना परम धर्म बताया। वे सदा सादा जीवन रुचि विचार की भावना से में विश्वास करते थे। सुहरावर्दी सिलसिला, कहते भारत में जो दूसरा सिलसिला था, सूफी मत था, उसको सुहरावर्दी सिलसिला कहा जाता है। इस सिलसिले की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा की गई। 13वीं शताब्दी में बगदाद से प्रारंभ होकर भारत में पहुंचता है। भारत में इस सिलसिला में कहते हैं शेख बहाउद्दीन जकरिया ने मुल्तान से इसका प्रारंभ किया। यहाँ भी कहते हैं कि सभी अमीर गरीब सभी प्रकार के लोग जो हैं इनके पास पहुँचा करते थे। कादरी सिलसिला, कादरी सिलसिला 12वीं शताब्दी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद से प्रारंभ किया और जो है कहते भारत में सैयद मोहम्मद जिलानी ने 15वीं शताब्दी में निकट मुल्तान के आसपास का जो प्रचार का केंद्र बनाया और इसके बाद धीरे धीरे कहते इसके कुछ और सिस्टम रहा। मियां मीर जैसे सूफी साधक भी इसके साथ रहे। कहते हैं मुगल बादशाह अकबर ने 5000 की मनसब फतेहपुर सिकरी में जो है शेख मूसा को दी थी। ये कादरी सिलसिला का प्रमुख सूफी संत था। नक्शबंदी सिलसिला, ये कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाबुद्दीन नक्शबंदी ने बुखारा से की थी और भारत में शेख बाकी बिल्ला इस संप्रदाय का प्रमुख व्यक्ति सन वगैरह का सिस्टम जो था ये रहा है। ये सिलसिला संगीत के विरोधी थी। एक आता है स्तारी सिलसिला। स्तारी सिलसिला भी मध्य एशिया और ईरान से प्रारंभ होता है और जो है इस सिलसिला अगर भारत की बात करें तो है शाह अब्दुल्ला सातार इसके प्रमुख सूफी संत हुए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो सूफी संत थे इन्होंने भारत में जो है इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, धार्मिक भाईचारे के लिए और मानवता का एक संदेश देने के लिए कार्य किया। ठीक है बेटा।